संसद में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की है। गौरव गोगोई ने कहा प्रधानमंत्री को यह स्वीकार कर लेना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई है, इसलिए मणिपुर में 150 लोगों की मौत हुई, लगभग 5000 घर जला दिए गए, लगभग 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं और लगभग 6,500 FIR दर्ज की गई हैं। तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर गौरव गोगोई के बाद चर्चा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि राहुल गांधी बोलेंगे और फिर ऑपोजिशन का कोई सदस्य नहीं बोल पाया, मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। निशिकांत दुबे जब बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा कर दिया। आपको बताएं कि 3 दिनों तक 18 घंटे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 FIR है और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे से इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, 18 घंटे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद में कह सकते हैं वार पलटवार चलेगा। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जो भाषण सुने संसद में, पहले विपक्ष की तरफ से, फिर पक्ष की तरफ से, और जैसा हर कोई सोच रहा था शायद सांसद की बहाली के बाद राहुल गांधी खुद आकर आज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है विपक्ष से राहुल गांधी ने बोलना स्वीकार नहीं किया शुरुआत में आज? देखिए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसका एक जो है प्रस्ताव वो गौरव गोगोई की तरफ से दिया गया था, उसको स्वीकार किया गया था, तब तक राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल नहीं हुई थी। इसके बाद जब कोर्ट का फैसला आया, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, तब पार्टी की तरफ से ये कहा गया और स्पीकर की बैठक में भी कहा गया कि राहुल गांधी बोलेंगे। लेकिन आज जब शुरुआत हुई सदन की, जैसा निशिकांत दुबे को आपने सुना, बीजेपी की तरफ से सवाल आया कि राहुल गांधी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेताओं ने सदन में ये कहा कि प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है, इसलिए तो एक दूसरे की तरफ आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन अभी जो है आधा दर्जन के लगभग अलग अलग पार्टियों के जो हैं वक्ता बोले हैं, अभी ये लंबा चलेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा, आज भी जारी रहेगी, कल भी चलेगी और परसों जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे, तो ये माना जा रहा है कि 10 तारीख को ही राहुल गांधी बोलेंगे सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। इसकी शुरुआत पार्टी ने पहले भले ही कहा था कि स्पीकर ऑफिस में, लेकिन शुरुआत नहीं कराई गई, इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई, लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले चूंकि गौरव गोगोई की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था, लिहाजा पार्टी ने तय किया कि वही इसकी शुरुआत करेंगे। आपने देखा बाद में निशिकांत दुबे ने जो है इसमें भाग लिया और बीजेपी की तरफ से 15 जो है वक्ता इसमें भाग लेंगे, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी इंटरवेन करेंगे, उनका भी नाम है और बाकी अलग अलग नेता हैं। विपक्ष की तरफ से भी अलग अलग पार्टी के नेता, उनको टाइम आवंटित किया गया है, वो भी भाग लेंगे। तो अभी अगले 2 दिन यानी आज, कल और परसों 10 तारीख तक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा चलेगी और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। स्वाति, मतलब हम ये देख सकते हैं ब्रह्म प्रकाश की और बाकी दिन जो बचा है और कितने स्पीकर्स लगभग आज बोल सकते हैं, और ये जो संसद की कार्यवाही नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान है
वो हमें एक शाम तक काफी देर तक देखने और सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी समय के बाद हम देख पा रहे हैं और पूरा देश भी देखेगा, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना है और उसके बाद विपक्ष एकजुटता का यहाँ पर एक तस्वीर पेश कर रहा है संसद में भी, और जिस तरीके से उस पर पलटवार भी किया सरकार की तरफ से, तो ये 3 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी इवेंटफुल रहने वाले हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए पहले दिन से आपने तस्वीरें जनता को दिखाई कि किस तरह से संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा है, और किसी भी बिल पर, जितने भी बिल पेश हुए उसमें से किसी बिल पर चर्चा नहीं हुई। दिल्ली के सेवा बिल पर जरूर चर्चा हुई। तो इसके बाद अब सदन चल रहा है, आज हो सकता है कि देर तक चले, अमूमन 7 बजे तक चलता है, लेकिन स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो कितनी देर तक हाउस को चलाते हैं। और कल और परसों जो 3 दिन का टाइम पहले से तय किया गया है, तो उसमें तो डिबेट जो है वक्ता है, अलग अलग पार्टियों ने नॉमिनेट किया है, तो वो वक्ता भाग लेंगे ही, लेकिन ये कितना आज कितना लंबा चलता है ये स्पीकर तय करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है स्वाति कि देखिए पूरे सत्र अभी तक का, मतलब पहले दिन से लेकर आज तक सदन ज़्यादा नहीं चल पाया। जो बिल पास हुए वो बिना चर्चा के अधिकतर बिल पास हुए हैं। अब जब सदन चल रहा है तो इसमें जाहिर तौर पर दोनों तरफ से आप देखिए कि किस तरह से तीखी टिप्पणियाँ एक दूसरे पर की जा रही हैं। जब डिबेट की शुरुआत हुई तो किस तरह से हीटेड कहें कि आर्गूमेंट हुआ, आपने देखा सरकार की तरफ से किस तरह से आरोप लगाए गए, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए। तो अब अगले 2 दिनों में आपको लोकसभा में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जब अपोजिशन के नेता बोलेंगे सरकार को मणिपुर के मसले पर घेर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर मसले पर केंद्र सरकार को घेरा, वहां की राज्य सरकार को घेरा, और इसी तरह से अपोजिशन पार्टीज के अलग अलग नेता सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खासतौर से मणिपुर मसले पर। विपक्ष का यह भी कहना है, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने शुरुआत में ही कहा कि इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं क्योंकि मणिपुर पर चर्चा से सरकार भाग रही थी, लिहाजा विपक्ष के पास नंबर भले ही ना हो लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है जिससे सरकार मणिपुर के मसले पर चर्चा से बच ना सके। तो विपक्ष ये कह रहा है कि नंबर भले ही नहीं है लेकिन वो इसके बहाने पूरी चर्चा करेगा और सरकार की नाकामियों को उजागर करेगा। वहीं सरकार की तरफ से जो है अपोजिशन के सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो अगले 2 दिन आपको इसी तरह से तीखी बहस नोकझोंक लोकसभा में देखने को मिलेगी स्वाति। बिल्कुल, और 10 अगस्त वो समय है जिस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही जैसा हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी बता रहे हैं कि उसी दिन राहुल गांधी भी संसद में बोलेंगे। धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ ही बातचीत करने के लिए।